एक किलो से अधिक का सोना लेकर फरार हुआ कर्मचारी, तलाश में जुटी पुलिस। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुजरी बाजार से एक किलो सोना गलाकर आभूषण बनाने वाले कारीगर के पास से उसका ही एक कर्मचारी 1 किलो 84 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। जिसकी जानकारी लगते ही सराफा बाजार में सनसनी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। गुजरी बाजार क्षेत्र में हुई चोरी की यह वारदात पुलिस को मिलते ही जानकारी अनुसार बालाघाट निवासी सुशील गिरी गुजरी बाजार में सोने के आभूषण को बनाने का कार्य करते हैं। इनके पास सरापा व्यापारी अपने सोने को आभूषण बनाने के लिए सोना देते हैं। वहीं सोमवार को करीब 1 किलो 84 ग्राम सोना व्यापारियों का उनके पास था। इसी दौरान उसके पास काम करने वाले कर्मचारी प्रकाश पवार ने यह सोना लेकर फरार हो गया। जब उन्होंने उसकी तलाश की और वह नहीं मिला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर समेत अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा और कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक सोना चोरी का मामला आया, क्या करूँगा? एक सुशील गिरी करके हैं, बालाघाट के हैं, जो रिफाइनरी का काम करते हैं, सोने का जो आइटम देते हैं उनके, जो ज्वेलरी शॉप ऑनर हैं उन लोगों से ऑर्डर पे लेते हैं, उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार उनको सोना देते हैं, ऐसा उनका अभी तक उन्होंने बताया है। उनके यहाँ कोई प्रकाश पवार नाम का व्यक्ति था जो पिछले 1 माह से इनका काम कर रहा था। बेसिकली प्रकाश पवार और जो सुशील गिरी हैं, ये लोग सांगली के रहने वाले हैं, जिला सांगली के पास में इनका गांव है। दोनों के बीच गांव की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर के बीच की, मतलब पहचान का ही व्यक्ति था जो 1 माह से इनके तरह के काम कर रहा था। लगभग 11 बजे की बात है, जो प्रकाश पवार हैं इनके यहाँ से लगभग 1 किलो 84 ग्राम सोना लेकर कहीं चला गया है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट थाने पर की है। अभी प्रथम दृष्टया हम लोग उसके CCTV देख रहे हैं कि वो व्यक्ति किस तरफ गया है। अभी जो उसका रेसिडेंस था, रेसिडेंस पर भी चेक किया, वहाँ नहीं मिला है। संभवतः अभी वो सोने के साथ में लापता है और किसी न किसी नियत से वो सोना लेके जाना प्रतीत हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें पैदा निकाल लेगी। कितनी कीमत है सर अभी अनुमानित इसकी? कीमत तो बाजार मूल्य के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 लाख। अच्छा सर, ये जो सुशील है ये भी महाराष्ट्र का रहने वाला है, कब से था यहाँ पे? ये सुशील गिरी लगभग 10 से 15 साल से बालाघाट में रहकर रिफाइनरी का काम कर रहे हैं और अलग अलग इनके यहाँ कारीगर आते रहते हैं, जिसी में से ये जो प्रकाश पवार, ये भी कारीगर के रूप में 1 माह पहले आया था।